हेलो एवरीवन, हेलो एंड वार्म वेलकम। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। तो हम लोग अगस्त मंथ का हम लोग साइंस रिपोर्टर देख रहे हैं, तो इसी में हम लोग आगे काफ़ी कुछ अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो कोविड से रिलेटेड कुछ इनोवेशन हुए हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो पहला चीज़ है नेजोफेरेंजियल स्वाब। ये टर्म आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में भी यूज़ किया था। तो CSIR के NCL लैब जो पुणे में है, उन्होंने इसको डेवलप किया है। ये क्या करता है, ये कलेक्ट करता है सैंपल्स को फ्रॉम थ्रोट कैविटी ऑफ COVID-19 पेशेंट। ठीक है, आपको नाम से पता चल रहा होगा नेजोफेरेंजियल मतलब कि थ्रोट कैविटी का बात हो रहा है, तो वहाँ से ये सैंपल कलेक्ट करने में हेल्प करता है। तो देखिए ये इस तरह का है नेजोफेरेंजियल स्वाब, देख रहे हैं आप। तो इसमें एक चीज़ तो ये है कि मतलब कि ये स्वैब को हम लोग ऐसे इंसर्ट करके यहाँ से हम लोग अंदर से हम लोग जो है सैंपल को कलेक्ट करते हैं। तो इसमें एक प्रोसेस है फ्लॉकिंग। फ्लॉकिंग क्या है, एक प्रोसेसिंग स्टेप है स्वैब के मैन्युफैक्चर में, जिसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जो भी ब्रिसल्स हैं उनको पैरेलल ओरिएंटेशन में अरेंज किया जा रहा है, अलाइन किया जा रहा है स्टिक के हेड पे। ये स्टिक का हेड जो हेड देख रहे हैं आप, इस पे पैरेलल ओरिएंटेशन में जो है ब्रिसल्स को अलाइन किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ देखिए, दूसरा चीज़ क्या है, ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट। ये क्या है, मैन्युफैक्चर्ड बाय CSIR के NCL लैब ही इन कोलैबोरेशन विद BEL और जेनरिच। इन्होंने क्या बनाया, ऑक्सीजन एनरिचमेंट यूनिट बनाया है। ये क्या करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को एनरिच कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती थी उन पेशेंट्स का नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि वो उनको ऑक्सीजन एनरिच करने में उनका हेल्प करेगा। ठीक है, तीसरा चीज़ देखते हैं, प्रोटेक्टिव आईवेयर जो आप लोग देखते हैं, ये किन्होंने बनाया है, CSIR का CSIO लैब और मिलके इन्होंने किसके साथ बनाया, SARC इंडस्ट्रीज के साथ। ठीक है, तीसरा चीज़ देखिए, तीसरा चीज़ है इंट्यूबेशन हुड। इंट्यूबेशन हुड क्या है, बेसिकली IIMT लैब भुवनेश्वर ने इन्होंने बनाया है इसको। इसमें क्या करते हैं, जो डेंटिस्ट जो ओरल एग्जामिनेशन करते हैं उनको ये हेल्प कर रहा है। तो देखिए इस तरह से एक पेशेंट लेटा हुआ है और इस तरह से ये हुड के अंदर जो है डेंटिस्ट जो है उनका एग्जामिन कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई एक। तो इसमें एक चीज़ और देखिए कि एक ट्यूब है, ट्यूब थ्रू माउथ इनटू एयरवे इज पुट ऑन वेंटिलेटर। ठीक है, अगला इनोवेशन देखते हैं, ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर क्या है कि ये लखनऊ में जो IITR लैब है उन्होंने इसको बनाया है। तो इसमें बेसिकली एक डिसइंफेक्शन मशीन है, जो भी मास्क है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनको डिसइंफेक्ट करने में हेल्प करता है। और कैसे करता है, ये माइक्रोवेव बेस्ड है। ठीक है, दूसरा एक इनोवेशन है हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर, जो कि CSIR का NIST लैब है त्रिवेंद्रम में, उन्होंने किनके साथ बनाया है, कैबियो टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। ये सेंसर बेस्ड है और ये टच फ्री है, मतलब आप अगर ऐसे हाथ इस पे लगाएंगे तो आपको ये सैनिटाइजर प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, इसके अलावा एक अगला चीज़ आप देखते हैं जो कि है ऑटोनोमस ग्राउंड व्हीकल। ये क्या है, AI बेस्ड साइबर फिजिकल सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड साइबर फिजिकल सिस्टम है, जिसके थ्रू सोशल डिस्टेंसिंग मेजर किया जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ पर देखिए अगर डिस्टेंस कम हुआ तो अपने आप ये कुछ अलर्ट जारी करेगा, तो फिर लोग सतर्क हो जाएंगे और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो टू मॉनिटर सोशल डिस्टेंसिंग इन पब्लिक प्लेस। तो एक बात ये हो गई। ठीक है, एक कैबिलिटी है, एक नया ट्रांसपेरेंट मास्क है, इस तरह का देखिए डेवलप हुआ है, कोऑर्डिनेटेड बाय फ्रेंच इंजीनियर पियरे ब्लॉन्डन। ट्रांसपेरेंट है, इट इज़ डिजाइन टू लास्ट, इट इज़ सिक्योर, इट इज़ कंफर्टेबल। इनके बारे में चार फैक्ट्स हो गए। अब रिमूवेबल सर्जिकल टेप देखिए, नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसा सर्जिकल टेप है जिसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, चिपकाए और वापस हटा लिए। ठीक है, हेल्थ एंड सैनिटेशन के बाद हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं।
बायोटेक्नोलॉजी में क्या सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इससे रिलेटेड कुछ अपडेट हुआ तो वही चीज़ देखने वाले हैं। तो बेसिक चीज़ समझिए कि किन केसेस में यूज़ होता है इसका। पैटर्निटी का कोई डिस्प्यूट हुआ या फिर कोई म्यूटिलेटेड बॉडी है, मान लीजिए कटा छटा बॉडी है, उसका आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। कोई मर्डर हुआ है या फिर कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो उस केसेस में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ करते हैं। तो ऐसा बहुत ही टायरिंग हो जाता है अगर मान लीजिए कि सस्पेक्ट अननोन है, तो वैसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, फिंगरप्रिंटिंग का बहुत ही फायदा होता है अगर सस्पेक्ट अननोन है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बेसिक प्रोसेस देखिए। डीएनए सैंपल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उनको हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग उनको काट देते हैं, उनको छोटे छोटे पीसेज में। उसके बाद हम लोग उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो ऐसे करके अरेंज हो जाते हैं। तो जो हैवी फ्रेगमेंट है, लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट है, वो एक तरफ अरेंज हो जाएंगे, और जो शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट है वो एक तरफ अरेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हैवी हैवी फिर लाइट 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 ऐसे अरेंज हो गया, ठीक है। फिर इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक मेम्ब्रेन में, मोस्टली नायलॉन मेम्ब्रेन का यूज होता है। इसके बाद उसको हम लोग प्रोब डालते हैं, तो प्रोब की वजह से वो हम लोग को दिखने लगता है, कलर प्रोवाइड होता है, और इस तरह से एक डीएनए फिंगरप्रिंट बन जाता है, ठीक है। अगर हम लोग एक्सरे डालें तो हम लोग को ये इस तरह से फिर दिखेगा, ठीक है। तो ये हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए, क्राइम सीन से मान लीजिए कि हम लोग को ऐसा कुछ हम लोग को फिंगरप्रिंट मिला है, हमारे पास तीन सस्पेक्ट हैं, तो हमने उनका भी डीएनए इस तरह से निकाला, और इस तरह देखिए फिर हमने जो क्राइम सीन मिला था और जो सस्पेक्ट टू है, इनका हम लोग को देखिए डीएनए देखिए एक जैसे हम लोग को दिख रहा है। तो इस तरह से पता चला कि जो सस्पेक्ट टू है वो था इस क्राइम में इन्वॉल्व। तो इस तरह से हम लोगों ने क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया। तो इस तरह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एक नया अपडेट क्या आया है, डीएनए फिनोटाइपिंग। ये बेसिकली क्या है, देखिए जो कि जो भी हम लोग को डीएनए मिला है उससे हम लोग फेस बना सकते हैं। लेमन लैंग्वेज में ये हुआ कि जो भी डीएनए है उसको नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग के थ्रू, उसमें कुछ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म सीक्वेंसेस होंगे, तो वो क्या कहते हैं कि एक एक फिनोटिपिक फीचर है उसके अगेंस्ट होता है वो, और इस तरह से इस सस्पेक्ट का हम लोग एक्सटर्नल अपीयरेंस बना लेते हैं। बेसिकली हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है, क्योंकि कुछ हेरिटेबल जेनेटिक ट्रेट होते हैं, जैसे कि हेयर कलर हो गया, आई कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, फिर फेस का मॉर्फोलॉजी हो गया, तो ये कुछ हेरिटेबल जेनेटिक ट्रेट है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक फेस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, सिंपल सा बात है। और उसके थ्रू फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सस्पेक्ट मतलब जो जो भी क्रिमिनल है उसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो SNP हमने देखा था, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या है, बेसिकली जेनेटिक वेरिएशन कुछ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अभी ये जेनेटिक वेरिएशन कॉज कर रहा है, तो कैसे करता है, जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें चेंज लाता है। अब कैसे लाता है, दो तरीके से ला सकता है, या तो ट्रांजिशन होगा या फिर ट्रांसवर्जन होगा, दो चीज हो गया। ट्रांजिशन में क्या होता है, अच्छा पहले तो देखिए कि चार तरह के न्यूक्लियोटाइड हो गए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, चार तरह के हो गए। तो अगर ये सब्सटीट्यूट हुआ है जी से और सी सब्सटीट्यूट हुआ है टी से, तो ये ट्रांजिशन हो गया। ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि अगर ए सब्सटीट्यूट हुआ है टी से और सी सब्सटीट्यूट हुआ है जी से, तो ये ट्रांसवर्जन हो गया। तो दो तरह का सब्सटीट्यूशन हो गया न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। तो जो हमने डीएनए फिनोटाइपिंग दिखा, किस चीज में हेल्प करता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, जैसे कि डिजीजेस हो गया, फिर हम लोग पैथोजेंस भी इससे डिटेक्ट कर सकते हैं डीएनए फिनोटाइपिंग से, ठीक है। अब अगले ब्रॉड टॉपिक में चलते हैं जो कि है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे जानवर देखने वाले हैं हम लोग। जैसे पहला है नॉर्दर्न रिवर टेरापिन, बैटागुर बस्का, इसका साइंटिफिक नेम हो गया।
ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मैंग्रोव रिवर्स में पाया जाता है और क्रीक्स में पाया जाता है इंडिया में और बांग्लादेश में। इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर टेरापिन्स बाय द प्रेजेंस ऑफ ओनली फोर, बस चार होते हैं इंस्टेड ऑफ फाइव क्लॉज ऑन फोरलिम्ब। फोरलिम्ब में बस चार क्लॉ होते हैं, पांच नहीं, ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। तो नॉर्दर्न रिवर टेरापिन हो गया। उसी तरह है दूसरा चीता। चीता क्या साइंटिफिक नेम क्या हो गया, एसायोनिक्स जुबेटस। इट इज एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड इन इंडिया, जो एशियाटिक सब स्पीशीज था वो एक्सटिंक्ट हो चुका है ऑलरेडी, एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड। तो यूनियन ऑफ इंडिया और एनटीसीए ने टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन बिग कैट स्पीशीज फ्रॉम नामीबिया टू इंडिया, तो नामीबिया से हम लोग इसको इंडिया में लाने वाले हैं, ये एक नया अपडेट है इसमें। अगला चीज है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल क्या है, शेड्यूल वन में पाया जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है, 1972 का जो है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हॉर्नबिल पाए जा रहे हैं। इट हैज अ डेकोरेटिव ग्रोथ ऑन अपर मैंडिबल ऑफ बिग, जिसको हम लोग कास्क बोल रहे हैं, कास्क। यहाँ आप देख रहे हैं ये है इसमें कास्क, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हंटेड बाय मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। फिर है सांबर डियर। सांबर डियर का साइंटिफिक नेम है रूजा यूनिकलर, ये देखिए सांबर डियर। तो इट हैज अ सोर स्पॉट ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ नेक, यहाँ पर देखिए एक सोर सा स्पॉट है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड है इस इन डियर्स में इन रट सीजन टू मार्क टेरिटरी, टेरिटरी मार्किंग मार्किंग में ये हेल्प करता है, ठीक है। अगला चीज देखिए है मोनिटर लिजर्ड, वायरेनस स्पीसीज है ये, शेड्यूल वन में पाया जा रहा है अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। इसका हेमी पेनिस जो है उसको ट्रेड किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ये रिजेंबल करता है प्लांट रूट ऑफ टाइगर्स क्लॉज, जिसको बाघ नाखी बोल रहे हैं, तो उसके जैसा रिजेंबल करता है, तो इनको लगता है कि शायद इसमें कुछ मेडिसिनल वैल्यूज होगा, तो इस वजह से इनका ट्रेड किया जा रहा है। ये देखिए ये है मॉनिटर लिजर्ड। इसी तरह है गेको। तो ये है, ये क्या है, टोके गेको, जिसका साइंटिफिक नेम है गेको गेको। ये शेड्यूल फोर में पाया जा रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। ऐसा फॉल्स बिलीफ है कि इसका इट्स मीट कैन क्योर कैंसर एंड एड्स, इस वजह से इनका ट्रेड हो रहा है, इस वजह से इनको मारा जा रहा है। अगला है हॉग डियर। हॉग डियर का देखिए साइंटिफिक नेम क्या है, एक्सिस पोर्सिनस, शेड्यूल वन में पाया जा रहा है ये। कहाँ पाया जाता है, ग्रासलैंड्स ऑफ तेराई द्वार्स फॉरेस्ट कॉर्बेट में, और कहाँ तक रेंज करता है, जालंधरा बक्सा टू काजीरंगा, काजीरंगा तक, मतलब ये उत्तराखंड से मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है, ठीक है। ये हॉग डियर हो गया। फिर ये आप देख रहे हैं क्या, ये है हाइना। तो इसमें देखिए एक हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, मैटर्नल कैनिबलिज्म। ये क्या है कि कैनिबलिज्म, आपको पता होगा कि जब एक जानवर अपने जैसे ही जानवर को कंज्यूम कर लेता है तो वो होता है कैनिबलिज्म। मैटर्नल कैनिबलिज्म क्या है कि बर्थ देने के बाद खुद के कब्स को कंज्यूम करना होता है, मैटर्नल कैनिबलिज्म। एग्जाम्पल स्ट्राइप्ड हाइना हो गया ये, जिसका साइंटिफिक नेम है हाइना हाइना। तो इनमें क्या दिखा गया है, मैटर्नल कैनिबलिज्म। फिर है ब्लॉब। ब्लॉब का साइंटिफिक नेम क्या है, फाइजेरम पॉलीसीफेलम, ठीक है। इसको हम लोग मेनी हेडेड स्लाइम भी बोलते हैं। तो इट रिजेंबल्स स्लिपरी स्पॉन्ज, ठीक है। इट इज फाउंड मोस्टली ऑन डिकेइंग लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स। इट अपीयर्स स्टेशनरी, लेकिन इनमें स्लो मूवमेंट होता है, किस लिए, ताकि वो फूड को सर्च कर सकें। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें बहुत सारा न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली इसमें कोई आई नहीं है, कोई माउथ नहीं है, लिम्ब नहीं है, स्टमक नहीं है, फिर भी ये अपना फूड जो है वो ढूंढ लेता है। इसी तरह इसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, कोई ब्रेन नहीं है, लेकिन खुद भी ये लर्न भी कर रहा है और इंटरेस्टिंगली खुद के अलावा दूसरों को टीच भी करता है कि कैसे मूव करना है या फिर अपना फूड ढूंढना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गया। ये भी देखिए ब्लॉब का डायग्राम है। तो अब ये ब्लॉब जो है, इट कुड बी एनिमल प्लांट और फंगस। साइंटिस्ट जो हैं क्या करते हैं, कंसिडर इट एज अ प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट एक ऐसा कैटेगरी है विच दे डोंट रियली अंडरस्टैंड, इसको हम लोग प्रोटेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी इसको प्रोटेस्ट बोला जा रहा है ब्लॉब को। इसके बाद बर्ड हीट टॉलरेंस। बर्ड हीट टॉलरेंस क्या है कि एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है,
तो ये कैसे अपने बॉडी को कूल डाउन करते हैं, दे कीप देयर बीक्स ओपन, अपने चोंच को खुला रखते हैं ताकि वो गर्मी को बाहर फेंक सके, डंप करें हीट को। और ये जैसे हम हाँफते हैं वैसे ये भी हाँफते हैं, पैंट करते हैं, ठीक है, पैंटिंग। फिर टर्न देयर लाइटेस्ट पार्ट टुवर्ड्स द स्किन ताकि हर चीज रिफ्लेक्ट हो जाए कोई भी आए तो लाइटेस्ट पार्ट से। या दे ड्रिंक मोर वाटर, दे बेद, दे डिप, दे रेस्ट इन शेड। फिर दे अवॉइड फॉरेजिंग एंड टॉकिंग ड्यूरिंग द आफ्टरनून, मतलब जब गर्मी होता है तो ये बात करना भी अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से ये अपने जो है अपने शरीर को जो है वो ठंडा रख रहे हैं, इस तरह से वो हीट टॉलरेंट बन रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई होप इतना सफिशेंट होगा इस वीडियो के लिए। बाकी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।